बारिश आ रही है मेरी। हेलो, वॉइस गुड आफ्टरनून सर। क्लियर है? कोमल, शालिनी, यस सर। वॉइस क्लियर है मेरी? यस सर। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। कोमल, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? सर कट कट के आ रही है। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है आप लोगों की। एक बार अपना साउंड चेक करिए माइक। वॉइस नहीं आ रही है आप किसी की। यस सर, गुड ऋषभ, आफ्टरनून सर। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। सर घर से तो हमने मेरे को हटा रखा है। हेलो हेलो अच्छा, चलिए जो ड्रॉइंग किया उसको दिखाइए आप लोग। आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो अपना वीडियो ओपन आफ्टरनून करके सर। ड्राइंग दिखाइए जो मैंने बताया। एक एक करके डमी दिखाइए, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो। सर ये की थी। सर ठीक है, बहुत अच्छा। इसी पे है कि अफ्रीकन वाले पे है कुछ दो तीन लेआउट। ठीक है, इसका ऋषभ आपका है? यस सर मेरा है। मुझे लग रहा है कि जो मौसम खराब हुआ है बारिश की वजह से आवाज नेटवर्क नहीं आ रही है सही से। ठीक यस सर मेरा है, ही है। और दिखाइए, यस बस एक ही की है ड्राइंग? सर अभी तो एक ही करी है। बाकी सर अभी भेजते हैं हम। क्लास होने के बाद तुरंत भेजते हैं। अब आवाज आने लगी है। सर अभी क्लास होने के बाद तुरंत भेजते हैं। इसका थोड़ा हाथ पे और अच्छे से कर लीजिएगा हाथ की ड्राइंग, खासकर जो महिला की हाथ की ड्राइंग है। हाँ, ये सर ये वो बहुत अजीब सा लग रहा है, ओके उसको सही कर लीजिएगा। ठीक। और ठीक है, ये अच्छा है, और दिखाइए। सर फिलहाल तो अभी एक ही बनाया है। हम सोचे सर एक बार ये ड्राइंग बना के दिखा दी, इसी के हिसाब से सारी ड्राइंग कर लेंगे। सर ठीक पोर्ट्रेट भी कर सकते मोज़ेक पे। है, हाँ कर सकते हैं। ओके सर कर सकते हैं, कर सकते हैं आप लोग। ठीक सर। कोमल, कोमल अपनी डमी दिखाइए। कोमल, शालिनी, हेलो।
अपनी डमी सर, मेरी सर तबीयत ठीक नहीं है। हम आपको सर कल भेज देंगे। मानसी सर मेरा भी नहीं बना है अभी। क्यों सर आपने पहली बार तो बताया, अब उसको देखेंगे उसमें। कितना समय चाहिए आपको? सर कल दे देंगे। ऐसे ही क्लास करेंगे आप लोग? नहीं सर, अब कोई चीज नहीं आई है तो उसको तो टाइम लगेगा ना। ड्राइंग करने में टाइम लगेगा? पहली बार ड्राइंग कर रहे हैं? 3 साल से यही चीजें सीख रहे हैं आप लोग? हम कहें कुछ भी नहीं आ रहा है तो कुछ तो करके दिखाए होते। कुछ भी नहीं आता आप लोगों को? सर कल हम भेज देंगे आपको। स्वाति यस सर। दिखाइए डमी अपनी, क्या सर वर्क अभी किए तो हैं? नहीं किए। क्या कह सर रही हैं? अभी, सर अभी ड्रॉ नहीं किए। सर क्यों नहीं ड्रॉ देखिए किए हैं? हाँ अब ठीक है। इनके जो नाक में जो नथनी बनाए हैं महिला के, इसकी भी छोटी कर दे सर थोड़ी। हाँ वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, उसको गोल में कर लीजिए राउंड शेप में। ठीक उसको ठीक कर लीजिए, बाकी ठीक है फिलहाल। अब इसकी कलर डमी भी सोच लीजिएगा या वाटर कलर से हल्का सा एक आइडिया ले लीजिएगा। ये देखिए सर। हाँ अब देखिए, आप देखिए ठीक है। लिप्स के ऊपर, लिप्स बहुत ज्यादा पास में आ गया नोज के, लिप्स थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। ओके सर। और जो नथनी है वो लिप्स के ऊपर से जाएंगे। ठीक सर। सर आप देखिए। ठीक है सर इसी कलर डमी बना लें। इसको कलर डमी तैयार करिए इसकी। यस सर। इसकी कलर डमी पोस्टर कलर से करिएगा। अगर पोस्टर कलर नहीं है कलर से करिए। अगर पोस्टर कलर नहीं है तो करिएगा। और एक चीज, इसके बैकग्राउंड में सिर्फ फ्लैट कलर भराएगा, कोई सीनरी मत बनाइएगा। नहीं सर फ्लैट कलर ही रहेगा, थोड़ी सी साइड से सेटिंग रहेगी डार्क। वो भी डिस्टेम्पर। यस सर। आपको जो मोजेक का काम करना है इस पे, यस वो सर। सिर्फ फिगर पे काम करना है। बैकग्राउंड सर डिस्टेम्पर से करेंगे। हेलो सॉरी सर बैकग्राउंड सर किससे करेंगे, स्टेनर वगैरह से? हाँ वो हम बता देंगे। अभी आप फिलहाल मुझे का काम स्टार्ट कर दीजिएगा उसको। ठीक सर। ठीक है ओके सर। और भी ड्राइंग तैयार कर लीजिए इसकी। यस सर। एक दो और देख लेंगे ठीक ठाक। कोमल विदुषी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग में क्लास नहीं ली थी क्या? सर हम 2-3 दिन से हमने क्लास नहीं ली, एक्सीडेंट हो गया था असल में तो तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं। अरे स्कूटी से हो गया था तो हम ले नहीं पा रहे थे क्लास।
मालूम भी नहीं क्या हो रहा है क्लास में। चलिए, आपको तो पता है ना कि फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट मेरा क्या है? नहीं पता है सब्जेक्ट नहीं पता अभी, ये मजाक सुना हमने। है? म्यूरल है फोर्थ ईयर में, अच्छा ठीक है सर। जिसके बारे में कल भी हमने बताया था। म्यूरल क्या होता है, कैसे करना अच्छा है और क्या क्या करना है, किस किस मीडियम में म्यूरल हमें बनाना है फोर्थ ईयर में, ये सब चीजें डिस्कशन हो गई हैं। आप किसी से बात कर लीजिएगा अपने बैचमेट में। जी सर, हम पूछ लेंगे। हाँ, क्या क्या मटेरियल ला के उसको भिगोना है, कैसे क्या करना है, आशीष से बात कर लीजिएगा, वो सारी चीजें बता देंगे आपको। ठीक सर, ठीक सर। सर डमी कहे का मतलब कैसे क्या बनाना है? डमी जो है, आज हम मोजेक के बारे में बताए हैं और उसी की ड्राइंग तैयार करना है आपको। जी सर। तो मोजेक म्यूरल बनाना है, उसमें 2x3 का साइज रखना है। उसके लिए आप टाइल्स के छोटे छोटे टुकड़े से स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। उससे पहले जो है कि आप पहले उसकी डमी तैयार करके मुझे दिखाइए। कम से कम जी 5 डमी सर, बनाइए। अब जी सर, मोजेक में 2 वर्क करने हैं, एक ग्लास में और एक टाइल्स मोजेक में। में। अच्छा, तो अभी फिलहाल ड्राइंग बनाइए, बाकी जो है और फ्रेस्को बूनों के लिए आप चूना भिगो दीजिए अपने घर में। और जो अर्थ कलर होते हैं, उस सारे कलर जो है अलग अलग बाउल में भिगो दीजिए। ठीक है सर। सर हमको थीम थीम बता दीजिए कि कैसी, मतलब किस नहीं, कोई थीम सब्जेक्ट नहीं है। में, मतलब कैसी भी बना लें। हमने आप लोगों को 1x2x3 का साइज दिया है और बस ये कहा है कि आपको मोजेक के थ्रू इस पे कंपोजिशन बनाना है। अब दिमाग, ड्राइंग, कलर कैसे होगा, ड्राइंग कैसे होगा, ये सब आपको सोचना है। ठीक है सर, ठीक है। मीडियम ठीक है, बस हमने साइज दे दिया और मीडियम बता दिया। जी अब सर। आगे की सारी चीजें, उस पे कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, ये सब आपको सोच के हमें उसकी डमी पहले बताइए। जी सर, जी सर, एक बात और पूछनी थी। ह्यूमन फिगर जरूरी है? आप डमी कैसे हो दिखाइए, मैं जरूरी नहीं है, ह्यूमन फिगर कुछ जरूरी नहीं है, बस ठीक, कंपोजिशन उसका मेन जरूरी है। ठीक अच्छा, ठीक है सर। है, कंपोजिशन उसका स्ट्रांग होना चाहिए, कलर कंपोजिशन बहुत अच्छे से बैलेंस होना चाहिए। ठीक ठीक है सर, है, ठीक है, ये यस। सब चीजें अच्छे से होना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट क्या रहेगा, थीम क्या रहेगी, ये सब चीजें आपको सोचनी है। ड्राइंग कैसी रहेगी, ये सब चीजें आपको सोचनी है। वो भी इसलिए क्योंकि आपको यही सारी चीजें 3 साल तक बताया गया है, टॉपिक के आधार पर सारी चीजें हुई हैं। तो अब जो यस है सर, फोर्थ ईयर के में आप अपना दिमाग चलाइए और उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करिए। ठीक ठीक है सर, है। ठीक। जागृति यस बताइए, सर, सब एक ही बनाया है। दिखाइए डमी, डमी दिखाइए। डमी दिखा दीजिए फिर। सब दिखा रहे हैं। सही, 1 मिनट, कैमरा बैक कैसे होगा? बहुत अच्छा, तो मोजैक में इतना डिटेलिंग कर ले जाएंगी जागृति? सर हम हटा देंगे कुछ चीजें, आवाज क्लियर नहीं हो रही है आपकी। सर कुछ चीजें हटा देंगे।
फिगर फिगर रखेंगे। ठीक है, नाक थोड़ा सा दब गया है दोनों लोग का, राधा जी का भी और कृष्णा जी का भी। अच्छा जी सर, तो उसको थोड़ा सा उठा हुआ बनाइए। ये जी आंखें बहुत डरावनी हो रही हैं, थोड़ा सा आंखों पे काम करिए और नाक को थोड़ा सा और उठा हुआ बनाइए ऊपर की तरफ। ठीक, बाकी ठीक है, डमी ठीक है। और करिए चार डमी और तैयार करिए, और अलग अलग आप करिएगा। जी सर। ठीक है, कोमल स्वाति, यस सर। आपने भी कुछ नहीं ड्रॉ किया है? नो सर, सर बस चूना अभी वो भिगो दिया है। चूना भिगो दिया? अरे वाह, बहुत अच्छा। पहले से लेकर रखी थी क्या? नो सर, सर ले आए थे। ठीक है, तो उसको मटके में भिगोनी है? यस सर, सर मटका रखा हुआ था पहले का, उसी में भिगो दिया। एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, चूना भिगोते समय थोड़ा सावधानी बरतिएगा, उसको पानी में एक साथ सारे चूने मत डालिएगा। चूने के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़े एक एक करके पानी में धीरे धीरे डालिएगा। जी सर, आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात? यस सर, यस सर। चूने के छोटे छोटे टुकड़ों को पानी में धीरे धीरे डालिएगा। ठीक सर। आधा मटका से ज्यादा पानी होना चाहिए उसमें, और जब पूरा चूना पड़ जाएगा तो वहां से मतलब कि कुछ दूरी पे हट के देखिएगा, कुछ समय बाद वो मतलब उबलने लगता है चूना। यस सर। ठीक है, बहुत हीट हो जाता है मटका, तो उससे थोड़ा दूरी बना के रहिएगा। सर कितना चूना भिगोना है? 3 केजी। अच्छा ठीक है सर। तो मतलब जो सावधानी है उस पर ध्यान दीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ। एक साथ सारा चूना नहीं डालेंगे पानी में, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके डालिएगा, और जब पूरा पड़ जाएगा तो वहां से थोड़ा सा किनारे हो जाइएगा आप लोग। कम से कम 10 मिनट बाद वो सारा उसकी क्रियाएं पूरा हो जाएगी, तो फिर आइएगा तो उसमें पानी खत्म हो गया होगा, तो फिर ऊपर से पानी आप लोग डाल दीजिएगा। ठीक सर। ऐसा ही हुआ ना स्वाति? स्वाति यस सर, आपने भिगोया है तो बताइए इन लोगों को। सर क्या बताएं सर, हीट हो गया था। उसके बाद क्या सर? वो बॉयल नहीं हो रहा था सर, वो तो बुलबुले टाइप के छोड़ रहा था। वही तो हुआ बॉयल होना। फिर पानी सोख लिया ना सारा? यस सर। अब ये ध्यान और डाल दिया इसमें मैंने। ठीक है, अब स्वाति ये ध्यान देना है आपको कि वो चूना कभी सूखने ना पाए जब तक उसका वर्क ना स्टार्ट हो। ओके सर। चाहे उसमें 6 महीना लग जाए, चाहे 8 महीना लग जाए, चाहे साल भर लग जाए, लेकिन वो चूने का पानी सूखने ना पाए, ये ध्यान रहे। ओके सर। आपको निरंतर जो है उसमें चेक करना होगा कि उसमें पानी कितना है कितना नहीं है। ओके सर। चूना सूख गया तो फिर वो चूना किसी काम का नहीं रहेगा, फिर वो बेकार हो जाएगा, तो ये ध्यान रहे यार। ठीक है? यस सर। और किसी को कुछ पूछना है? सर चूना जो 3 किलो आपने बोला लाने के लिए, तो एक साथ तो भिगोया नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा।
अभी मेरी बात समझ नहीं पा रहे क्या आप लोग? पर बाकी समझ गए होंगे हम, हमको तो अभी अभी आए, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा सही से। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चूना है मटके में, पहले आधे मटके से ज्यादा पानी रखिएगा, और जी उसमें जो है चूने का 3 केजी ला के छोटा छोटा टुकड़ा उसका, उसको एक एक करके डालना है। जैसे मटके में कौवा वाली कहानी सुने नहीं, पानी को ऊपर लाने के लिए कौवा जी डालना है, तो उस तरीके से जो है आपको एक एक करके कंकड़ डालना है, एक साथ नहीं डालना। जी सर, असल जरूरी कि उसको मटके में ही करा जाए, मतलब बाल्टी वगैरह में नहीं कर सकते हैं। नहीं, जरूरी है कि मटके में ही किया जाए, अच्छा ठीक है सर। बाल्टी खराब हो जाएगी आपकी। अब मान लीजिए वो हिट होगा तो बाल्टी का क्या जुगाड़? अगर बाल्टी कमजोर होगी तो तुरंत फट जाएगा, चूना फैल जाएगा। तो जी, ठीक है सर, मटका ले आए। वो जो है उसको ध्यान रहे। अब मटके में रहेगा तो वो मतलब लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और उसमें और अच्छा भी अच्छा उसका स्मूथनेस बहुत अच्छा आ जाता है चूने में, ठीक अगर है वो सर, मटके में है तो। इसको आप लोग कर लीजिए। अब बाकी जो है कि सभी लोग 5 5 डमी अपनी तैयार करिए। नेक्स्ट क्लास जी में सर, ये सब सुनने में नहीं आया कि हम नहीं किए, ये नहीं किए, पहला क्लास ये सारी चीजें नहीं। हाँ कल दिखा देंगे आपको हम। और कुछ पूछना है? क्लियर है? यस सर, ऋषभ आपका अटेंडेंस भेज दीजिएगा मुझे स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि अब यस सर, रजिस्टर अटेंडेंस भेज दीजिएगा। ठीक ओके सर, स्क्रीनशॉट लेके भेजते हैं बताइए। चले गए क्या नहीं, सर? ये पूछना था कि लेआउट जो आप दे रहे हैं तो फेस का होना चाहिए कि पूरा फिगर होना चाहिए? हम ये सब कुछ नहीं बताएंगे। ये सब आपको सोचना है कि आपका कैनवास है 2 बाई 3 का, उस पे कैसा काम होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो सर हम दोनों बना के आपको दिखा देंगे। ठीक हाँ ठीक है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। यही तो आपको करना है ना, यही मैं सुबह से बता रहा हूँ कि अब हमारे भरोसे नहीं, हम बस बता देंगे क्या सही है क्या गलत है। अब जी तक सर, तो टॉपिक ही आ गया, लेकिन मैं अभी टॉपिक कुछ नहीं दूंगा। अब आपको खुद से क्रिएट करके लाना है, खुद का क्रिएशन लाना है। कॉपी वर्क भी नहीं कहीं का होना चाहिए, ये भी ध्यान रहे। तो खुद की ड्राइंग करिए, खुद की एक शैली क्रिएट करिए और फिर उस चीज को दिखाइए। ठीक है, ठीक उसमें जो कमी होगी, जो दिक्कतें आएंगी, वो हम बता देंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। और किसी को कुछ पूछना है? सर टाइल्स के अलावा भी, और मतलब टाइल्स और चूने के अलावा भी और कुछ लाना है? अभी ये तो स्टार्टिंग का है ना, ये सारी चीजें इकट्ठा करनी, जी क्योंकि चूना को 6 महीने 7 महीने पहले भिगोना पड़ेगा ना आपको। अच्छा, ठीक है अभी सर, मॉर्निंग में हमने बताया, तो जो लॉन्ग टाइम वाला प्रोसेसिंग है उसको तो हम पहले स्टार्ट कर देंगे, ताकि समय अनुसार उसको किया जा सके। जी सर। ये जो मोजैक बोल रहे थे ग्लास वाला, जी तो सर उसमें जो चूड़ी वाला, तो उसको उसके अलावा भी आप कोई ग्लास बोल रहे थे सर, वो अलग कैसे क्या मिक्स होगा मीडिया में करना क्या है, वो हम सर? बता देंगे। ठीक है, अभी ज्यादा मतलब अपने ऊपर बोझ मत लीजिए, अभी हम जितना कह रहे हैं उतना लेके चलिए। धीरे धीरे स्टार्ट जब आप कर देंगे तो चीजें आपको भी समझ में आने लगेगी और सारी चीजें बहुत आसान लगने लगेगी। अभी हम सारी चीजें बता देंगे तो आप घबरा जाएंगे और कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल हम एक वर्क को स्टार्ट करेंगे, अबूनों का मटेरियल इसके साथ तैयार करेंगे। ठीक है,
क्या क्या करना है सर। हमें? बूनों का फ्रेस्को बूनों का मटेरियल तैयार करना है और मोज़ेक का वर्क स्टार्ट करना है। ये दो काम करना है, बाकी आगे का जो हमारा टेम्परा वर्क हो जाएगा और फ्रेस्को शेप्को हो जाएगा और मिक्स मीडिया, ये सब चीजें हम आगे बता देंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन जो इसमें ज्यादा समय लगेगा उसको हम पहले स्टार्ट करेंगे ना, ताकि जी सर, समय अनुसार सारी चीजें हो जाए। यस सर। तो आपका मोज़ेक वर्क भी में भी कम से कम 1 से 1.5 महीना समय लगेगा। अभी आप लोगों ने किया नहीं है ना, जब करने बैठेंगे तब समझ में आएगा। आपको ये लगता है कि बहुत जल्दी हो गया था ये? बताइए। नहीं, इसमें एक-एक चपकाना है ना, एक-एक टोन को पकड़ना है, तो टाइम तो लगेगा। तो यस ये दोनों चीज पहले स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, उसके बाद से चीजें जो है आपको और हम बताया जाएगा। ठीक है, यस सर। और किसी को कोई डाउट है? सर, जो हम लोग लेआउट बना रहे हैं वो टाइल्स वर्क के लिए है। जी हाँ, अभी हमने ड्राइंग तो एक ही सब्जेक्ट के लिए बोला है, मोज़ेक के लिए, जी सर। की मीडियम के लिए बोला गया है ना। अभी मोज़ेक को स्टार्ट करना है और फ्रेस्को बूनों का मटेरियल को तैयार करना है, क्योंकि इस फ्रेस्को बूनों का मटेरियल तैयार करने में कम से कम 6-7 महीने चाहिए, और मोज़ेक को काम करने के लिए कम से कम आपको 1.5 से 2 महीना चाहिए फाइनल वर्क करने में। तो मोज़ेक को स्टार्ट करिए और साथ ही साथ इसके फ्रेस्को बूनों का सुर्खी वगैरह जो भी मैंने बताया है, कोयला, ये सब जो है इसका पाउडर तैयार करिए आप लोग। और सुर्खी कैसे तैयार होगा ये बताने की जरूरत है? नो सर, पता है आप सभी को नो सर, यस सर, यस सर। चारकोल का पाउडर कैसे तैयार होगा, एक सब पता है, आप लोगों ने देखा ही है। ठीक लकड़ी से सर, किसका है, सर तो पाउडर? इसमें चारकोल कह रहे चारकोल हो, का, कोयला? कोयला। नहीं, कोयला 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 भी एक तरीके से चारकोल का ही रूप माना जाएगा, लेकिन कोयले का जो पत्थर का कोयला होगा उसको यूज करिएगा, लकड़ी का कोयला कोई नहीं यूज करेगा। ठीक सर। समझ रहे हैं मेरी बात? लकड़ी का सर ये कोयला कोई कोई नहीं यूज मिलेगा करेगा, जो कहाँ? यस सर, मार्केट में लकड़ी पत्थर का कोयला? का कोयला मिलता है। हेलो, लकड़ी का कोयला लाना कि किस चीज का लाना? क्या कह रही है मानसी आप? कह रहे हैं सर लकड़ी का कोयला लाना है ना? नहीं, मार्केट में दो तरीके का कोयला मिलता है, एक तो लकड़ी का और एक पत्थर का। जो पत्थर वाला कोयला लाना है वो लाना है, लकड़ी का कोई नहीं लाएगा। अच्छा सर, ये कहाँ मिलेगा? अब एक मार्केट में देखिए आपके आसपास कोयले की दुकान कहां पर है। ठीक है, आप यस सर। मार्केट में पता करिए कि आपके आसपास में कोयले की जहां दुकान है वहां पता करिए, और वहां जाके ये कहिएगा कि मुझे पत्थर का कोयला चाहिए, तो दे देगा। अगर उसके पास होगा तो दे देगा, नहीं होगा तो फिर आप कहीं और से पता करिएगा। यहाँ लाल बंगले में दुकान है, ले लेना कोमल तुम। ठीक हाँ, अरे है, किसी एक के आसपास में देख लीजिए, अगर किसी एक के पास सुविधा है वो ले सकता है, तो बाकी लोगों से पैसा इकट्ठा करके आप लोग एक साथ लेंगे तो सस्ता पड़ेगा। समझ रहे हैं? अगर यस आप लोग एक साथ लेंगे तो यस सस्ता पड़ेगा, उसको फुटकर भाव में लेंगे तो महंगा पड़ेगा।
ये लोग अपना ग्रुप बना के आप लोग उसको देख लीजिए, मार्केट से ले लीजिए, चाहे कोयला हो, चूना हो, चाहे सुर्खी हो। ठीक है, ओके सर, सर यस, और कोई डाउट? नो सर, नो सर, क्लियर है? जी यस सर, तो ठीक है, फिर क्लास हम कल करते हैं, लेते हैं। यस सर, ठीक है, आप लोग क्लास अगर डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर क्लास कल सर, करते हैं। थैंक यू सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेलकम वेलकम। अरे अपना कहाँ करना है उधर, अपना एक नाम बता दें।